गढ़वाल मंडल की आज से विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप क्वाड़िया कोटद्वार में देश की पहली अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती शुरू हो गई। 10 दिवसीय भर्ती रैली में शामिल होने के लिए गढ़वाल मंडल के 7 जिलों की 64 तहसीलों के कुल 63,000 युवाओं ने पंजीकरण कराया है। कोटद्वार में आयोजित अग्निवीर भर्ती के लिए पहुंचे युवाओं में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। थल सेना के अंतर्गत गढ़वाल राइफल्स के होने वाली भर्ती में अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर सहित 6 प्रकार के पदों के लिए ये भर्ती की जा रही है। आज पहले दिन जनपद चमोली के 8 ब्लॉकों के 4,944 युवाओं ने अपना दमखम दिखाया। युवा तड़के सुबह से ही भर्ती कैंप की ओर चले गए थे। रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि अग्निवीर भर्ती को लेकर युवाओं में काफी उत्साह है। कोविड को देखते हुए उन्हीं युवाओं को प्रवेश दिया जा रहा है जिनके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है। भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। उत्तराखंड प्रदेश में 1,08,000 से अधिक लोगों ने पंजीकरण किया था। इसमें एआरओ लैंसडाउन के अंतर्गत जो 7 जिले आते हैं गढ़वाल क्षेत्र के, उसमें लगभग 63,000 लोगों ने पंजीकरण किया था। और ये रैली जो आयोजित हो रही है, भर्ती रैली, ये आज 19 अगस्त से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगी और प्रतिदिन का जैसे आंकड़े आते जाएंगे वैसे हम बताते जाएंगे। लेकिन युवाओं में बहुत जोश है अग्निपथ भर्ती को लेके और बड़ी संख्या में युवा इस रैली में पार्टिसिपेट करने, भाग लेने आ रहे हैं। देखिए, जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन था अग्निपथ योजना का, अग्निवीर रैली का, उसमें मेंशन किया गया था कि जितने भी अभ्यर्थी आ रहे हैं वो अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ लेके आएं और उसको मांगने पे उसे वो प्रोड्यूस करें। तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हम लोग फिर दोहरा रहे हैं कि जितने भी अभ्यर्थी अपनी दौड़ के लिए आ रहे हैं रैली के लिए, अपने साथ अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेके आएं। और एक बार रैली जो शुरू हो रही है वहां पे सारे एहतियात बरते जा रहे हैं। सिविल प्रशासन का पूरी तरीके से सहयोग है, वहां पे हेल्थ डिपार्टमेंट से भी लोग मौजूद हैं और पूरी जिम्मेदारी से इस रैली को आयोजित किया जाए। भर्ती में शामिल होने वाले युवाओं को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए प्रशासन और नगर निगम ने व्यवस्थाएं की हैं। भर्ती रैली के निकट एक बड़ा आशियाना बनाया हुआ है जिसमें एक साथ हजारों युवा आराम कर सकते हैं। साफ सफाई के लिए निगम की ओर से कई कर्मचारी तैनात किए गए हैं। कोटद्वार नगर निगम के आयुक्त किशन सिंह नेगी ने बताया कि युवाओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। नगर निगम की ओर से बिजली, पानी और शौचालयों की पूरी व्यवस्था की गई है। भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हम लोगों ने रहने के लिए एक बहुत बड़ा टेंट लगा रखा है, पीडब्ल्यूडी वालों ने लगाया डीएम साहब के निर्देशानुसार। इसके अलावा राज के इंटर कॉलेज और एक प्राइमरी स्कूल में भी हमने निःशुल्क रहने की व्यवस्था करा रखा है। इसके अलावा हमारे यहाँ नगर निगम की तरफ से सफाई का लिए 30 आदमी को डिप्यूट कर रखा है। करीबन हम लोगों ने 31 टॉयलेट्स बना रखा है। मार्केट में कोई अधिक रेट न वसूले जाए, इसके लिए हमने रेट लिस्ट की चस्पे की जा चुकी है। वहीं भाजपा युवा मोर्चा कोटद्वार के द्वारा भर्ती रैली में शामिल होने वाले युवाओं के लिए निशुल्क खाने पीने और रहने की भी व्यवस्था की गई है, जिसका नाम मोदी रसोई रखा गया है।